हेलो एवरीबॉडी, मैं सनी फ्रॉम प्रकाश साउंड सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज हमारे पास स्पीकर आए हैं, ये 15 इंच के स्पीकर हैं और ये हजार हजार वाट के हैं, RCF मॉडल के स्पीकर हैं और काफी दूर से हमारे पास भैया स्पीकर रिपेयर कराने के लिए आए हैं। आज इसके ऊपर काम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी इसमें कॉइल सेट हो चुका है, ये दो स्पीकर हैं अभी, और ये देखो अभी एलईडी वगैरह घोल रहे हैं, कॉइल इसमें सेट हो चुका है। भैया आए हैं दूर से लेके, इन्होंने हमारी वीडियो देखी थी, वहां से वीडियो हमारी देखकर आए हैं, दो स्पीकर लेके आए हैं। भैया कह रहे हैं कि पहले हम चेक करेंगे स्पीकर आपको, चेक करने के बाद फिर हम देखेंगे आपको जैसे भी रेस्पॉन्स बताएंगे। ठीक है, मैं भैया से भी आज आपको मिलवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, भैया से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो लेकर आए हैं। और अभी तो बराबर हमारा ऑफिस है, वहाँ ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और अभी इस पे काम चल रहा है। देखिए, इस पे एलईडी लगाई जा रही है, वो स्पीकर अभी हाथ के हाथ लेके जाएंगे। स्पीकर ये इसका स्पाइडर है जिसके ऊपर एलईडी लगाई जा रही है। ये एक्चुअली क्या है, जो केमिकल है जिसे हम लगा रहे हैं, फास्ट वाला होता है, ये विदिन 5 मिनट के अंदर सूख जाता है स्पाइडर जो है, क्योंकि भैया अभी आए हैं हमारे पास, ये 2 बजे के आसपास लेकर आए हैं स्पीकर जो, और शाम को 5-6 बजे तक स्पीकर इनको देना है। इनकी इमरजेंसी है, इनका कल का प्रोग्राम है डीजे का, इमरजेंसी में लेके आए और ट्राई के लिए लेकर आए हैं। तो भैया ने कहा कि भैया मार्केट से नहीं बनवाएंगे, एक बार हम पहले आपसे बनवा के देखेंगे, आपका वीडियो देखा है, सब चीज देखी है, और तो एक बार आपका चेक करेंगे कैसा आप स्पीकर बनाते हैं। इस पर ये स्पाइडर सेट हो गया है और ये फास्ट वाला एरेलाइट है जिससे हमने इसको स्पीकर को लगाया है। एक और दोबारा से ये इस पर एरेलाइट लगा रहे हैं। देखिए, इसमें कॉइल ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा लेट आया तो मैं अदरवाइज मैं आपको कॉइल की सेटिंग भी दिखाता, कोई बात नहीं। हैव अ नाइस टाइम, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कॉइल की सेटिंग। ये फास्ट वाली एरेलाइट है और भैया को बुलाते हैं वहां से, भैया भी आ जाए। दो भैया आए हैं, ठीक है ना, तो अब लेके आए, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और प्रकाश स्पीकर दिल्ली के नाम से है हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसपे हम स्पीकर्स की रिपेयरिंग की और कुछ नए स्पीकर्स की वीडियो हमेशा डालते रहते हैं छोटी छोटी। ये इसका पर्दा है रखा हुआ है, जिसको पर्दा है स्पाइडर्स पे लग चुका है, ठीक है जी। और तो छोटी छोटी वीडियोस कुछ ना कुछ लेके आते हैं, जैसे हमारे पास कुछ नया काम आता है, कोई नया स्पीकर आता है तो हम लेकर आते हैं, उसको लेके आते हैं, ठीक है। अभी भैया काम चल रहा है, कॉइल स्पाइडर्स पे लग चुका है, बाकी का काम अभी होगा इस पे, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, दो भैया हमारे हैं जो ऑफिस से, उनको बुला लिया है मैंने यार करके, तो सबसे पहले दिखाते हैं। देखिए, ये कुछ स्पीकर भी हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है जी, और ये स्पीकर रखे हैं जो चलते हैं। और आई हमारे भैया आ गए हैं, ये भैया हैं जो हमारे पास स्पीकर रिपेयर कराने के लिए लेकर आए हैं, और मैं भैया से बात करूंगा, भैया अपने आप ही अपने इंट्रोडक्शन देंगे, सब चीज बताएंगे कैसे क्या हुआ। तो बताइए भैया, आप थोड़ा लाउड हमसे बोलिएगा, और कौन सी जगह से आए सबसे पहले बताइए। हम आए बुलंदशहर यूपी से। अच्छा जी, भैया सनी का हमने एक वीडियो देखा था, उसमें काफी वीडियो थे, वीडियो देखकर ही अपने स्पीकर रिपेयर कराने आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाजार में हमने रिपेयर नहीं कराया, हमने सोचा पहले सनी भैया से रिपेयर कराएंगे और उनका रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम इसका रेस्पॉन्स भी जरूर बताएंगे किस तरीके का हमारा इन्होंने भी स्पीकर। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? हमारा नाम देवेंद्र ओम डीजे। अच्छा, बुलंदशहर यूपी। अच्छा, डीजे का क्या नाम है? ओम डीजे। और कौन सी जगह से? बुलंदशहर यूपी से। बहुत बढ़िया, ये भैया है, दूसरे भैया भी इनके साथ आए हैं, ठीक है जी। तो ये आए भैया अभी स्पीकर लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि भैया पे और वीडियो चैनल देखेंगे आपका और स्पीकर का रेस्पॉन्स फिर देखेंगे, फिर दोबारा से हम स्पीकर के ऊपर आते हैं। भैया को भी हमने आज इस वीडियो के अंदर ला दिया है, ठीक है जी। तो अब जो भैया को जानते बुलंदशहर वाले जो वो लोग हैं, जो भैया को जानते वो तो पहचाने जाएंगे, भैया ओम डीजे वाले गए, सनी भैया के पास गए स्पीकर रिपेयर कराने के लिए, ठीक है जी। तो अभी स्पीकर में स्पाइडर लग चुका है, अब बस अब इसके ऊपर एरेलाइट घोलने का काम होगा और इसके ऊपर दूसरी जो वो है पेपर है वो लगाया जाएगा, पेपर की सेटिंग बनाई जाएगी इस पे, ठीक है। एरेलाइट घोलेंगे भैया सबसे पहले और उसके बाद फिर आएगा काम शुरू करेंगे। स्पीकर बनने के अंदर भी 1 घंटा करीब लगेगा नियर अबाउट इसके अंदर। तो अब ये स्पीकर पे आगे काम शुरू हो गया है हमारे पे स्पीकर पे, ठीक है जी। आप भी देख सकते हैं भैया अभी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये आप देख रहे हैं 15 इंच का स्पीकर है, RCF मॉडल का स्पीकर है। अभी मैंने भैया से भी बात कराई थी, अभी इसके ऊपर केमिकल लगाया जा रहा है, स्पीकर को पेस्ट किया जाएगा, फिर एलईडी लगाई जाएगी और फिर आगे का काम किया जाएगा। जैसे जैसे काम चलेगा वैसे वैसे मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊंगा कैसे क्या बन रहा है, क्या क्या चल रहा है और कैसे स्पीकर बनता है। कनेक्शन वायर भी इसमें लग चुकी है, देखिए मैं स्पीकर की सेटिंग भी दिखाऊँ एक बार आपको। ये इसमें कनेक्शन वायर लग चुकी है स्पीकर के अंदर, ये एक स्पीकर है, इसके ऊपर भी कनेक्शन वायर लग चुकी है। स्पीकर पे पेस्टिंग का काम चल रहा है, भैया ये कर रहे हैं अभी। ठीक है जी, अब जब तक काम चल रहा है चलो कुछ बात करते हैं। भैया आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश स्पीकर्स दिल्ली, मैं सनी हमेशा की तरह, जैसे कि हमारे पास कुछ ना कुछ
स्पीकर हमारे पास आते रहते हैं रिपेयर के लिए प्लस नए, तो हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। और एक चीज़ और, मैं सभी भाइयों को जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर हम जो भी वीडियो बनाते हैं, आप हमारा वीडियो अगर पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को आप हमारे इसको लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें एक बेल आइकॉन आएगा, आप उसको ऑल पे करके उसको क्लिक कर सकते हैं। जो भी कोई नया वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका अगर कोई सवाल है तो हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं स्पीकर के रिगार्डिंग, आपका कोई भी सवाल है, आपकी कोई भी क्वारीज है तो आप उसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपको एक डिस्कशन के अंदर आपको एक कस्टमर केयर नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर भी फोन करके बात कर सकते हैं। ओह सॉरी, फोन करना नहीं, फोन ही करना है, फोन मेरे पास बहुत सारे आते हैं, आप व्हाट्सएप पे पता कर सकते हैं। ठीक है जी, आप मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, टाइमिंग जो रहेगा व्हाट्सएप करने का सुबह 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई करूंगा, कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के अंदर आप इसको शेयर कर सकते हैं हमारे, और चैनल को प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमारे वीडियोस आपसे देखते रहिए और ऐसे बने रहिए। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, अभी तो हमारा नया चैनल है, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी स्पीकर पे काम शुरू हो गया है, तो हमारा भी क्या, मैं कुछ ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूँ कि भाई स्पीकर आपके जलते क्यों हैं, स्पीकर फूकते क्यों हैं, स्पीकर क्यों, अब जब थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अभी स्पीकर बनने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो वीडियो थोड़ी हमारी लंबी हो जाएगी, 6 मिनट की हो चुकी है नियर अबाउट, मैं 8 से 10 मिनट की वीडियो रखूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा। तो अभी इधर देखिए कुछ इधर भी हमारे पास स्पीकर रखे हुए हैं, देखिए ठीक है जी, ये कुछ स्पीकर रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये कुछ स्पीकर्स यहाँ पर अभी जिसके ऊपर काम चल रहा है भैया, केमिकल घोल रहे हैं, देखो ये रेड लाइट है, इसका टाइमिंग होता है 10 से 12 घंटे सेट करने का होता है। ठीक है जी, ये रेड लाइट है भैया ने ले ली है, ये दूसरी बार एल टाइट है, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर आगे का जो स्पीकर का प्रोसेस है वो काम स्टार्ट किया जाएगा। देखिए जी, और हमारी 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 10 मिनट से ज्यादा की हम वीडियो रखेंगे नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लोगों पे कम होता है, कहाँ लोगों पे इतना टाइम रखा है कि इतनी लंबी लंबी वीडियो देखेंगे। और तो मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, अभी मैं आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छी नई वीडियो लेके आने वाला हूँ, और उन वीडियो के अंदर हम टॉपिक रखेंगे कि स्पीकर आपके जलते क्यों हैं, स्पीकर जले नहीं, स्पीकर का टाइमिंग कितना होता है कि भाई स्पीकर एक टाइम कोई भी स्पीकर है का उसका लाइफ टाइम कितना होता है, उसका टाइमिंग कितना होता है, कितने टाइम तक स्पीकर ख़राब नहीं होता, आपके एम्पलीफायर जलते हैं उसके पीछे क्या रीजन्स हैं, एम्पलीफायर क्यों जलते हैं, स्पीकर क्यों जलते हैं। अच्छा, मेरे को मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि 3-4 मेरे पे कमेंट आया, मैं थोड़ा सा वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ। और वो कमेंट मेरे को लोगों ने ये किया कि भाई एक तो हमारे भैया, हमने किसी कंपनी का हमारे पास स्पीकर है, हमने स्पीकर रिपेयर करा, हमारे स्पीकर जल बहुत जाते हैं, कौन सी कंपनी का हम उसमें वॉइस कॉइल डालें, एक तो ये लोगों का सवाल काफ़ी था। दूसरा लोगों का एक और सवाल था कि भैया हमारा स्पीकर हम डीजे बजाते हैं, हमारा बेस टॉप जो हम लगाते हैं तो हमारे डीजे के फ्लोर के ऊपर जो है वो बेस नहीं आता और फ्लोर के पीछे बेस बहुत ज़्यादा आता है, इसके पे क्या रीज़न है, ये टेक्निकली फॉल्ट है। मैं बताऊँ आपको, स्पीकर का और कॉलम का दोनों का फॉल्ट होता है, आगे मैं आपको बताऊँगा ये क्या रीज़न होता है, किस वजह से क्या होता, किस वजह से ये होता है। ठीक है, स्पीकर बनना स्टार्ट हो गया, भैया ने साइज बना लिया है, इस बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये सबसे पहले इसका साइज बनाया जाता है कि स्पीकर अगर थोड़ा सा आपका टाइट है तो उसको आप कैसे हल्का सा लूज कर लेंगे, हल्का सा लूज करने के बाद ये एक डंडा होता है जिसके ऊपर हल्का सा लूज कर सकते हैं, बनवाना पड़ता है स्पेशली। ठीक है जी, उसके बाद ये हल्का सा, ये देखिए ये इस पर साइज पर अगर टाइट होता है तो हल्का सा इसको आप बनवा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप इसको पेस्ट करेंगे स्पीकर को, मेन स्पीकर के अंदर जो सेटिंग होती है वो स्पीकर की कॉइल सेट करने की, उसका पर्दा सेट करने की होती है। ठीक है जी, और बाकी तो स्पीकर सभी लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं स्पीकर, और स्पीकर बनाना देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्पीकर सारा नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से स्पीकर काम कर रहे हैं और आपको उसे कितनी नॉलेज है, स्पीकर की बारीकी के बारे में आप कितना जानते हैं और उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसमें उस हिसाब से आप मटेरियल लगाते हैं, उस हिसाब से स्पीकर बनाते हैं, उसके हिसाब से स्पीकर बनता है। भैया ने एलईडी लगाना शुरू कर दिया, वीडियो हमारी लंबी होती जा रही है, मैं दोनों स्पीकर पे नहीं लूंगा। ठीक है जी, सिर्फ एक ही स्पीकर पे हम लेंगे, स्पीकर पेस्ट करते दिखाएंगे, भैया ने एलईडी लगा दी है। ठीक है जी, तो मैं देखो दो स्पीकर हैं, इसको नहीं लेंगे, वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी ज़्यादा, एक और एक स्पीकर पेस्ट कर दिया है इसका, फिर मैं इसको आई थिंक दो वीडियो में लूंगा छोटा छोटा करके, एलईडी इस पर लग चुकी है भैया के स्पीकर पे, और केमिकल भी लग चुका है इसका, जो रबड़ सॉल्यूशन होता है वो भी लग चुका है, भैया ने एक बार दोबारा लगा दिया है।
अच्छे स्पीकर बनाने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं। देखिए आप स्पीकर रिपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग स्पीकर रिपेयर करते हैं, हम भी करते हैं स्पीकर। मैं देखो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, सभी लोग स्पीकर अच्छा ही बनाते हैं, जो भी बंदा स्पीकर बनाता है रिपेयर करता है जो भी है, सभी लोग देखो भैया अपना अपना पेट पाल रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है जी। स्पीकर सभी लोग अच्छे बनाते हैं, जितने भी भाई बंदे जितने भी बनाने वाले हमारे सभी लोग अच्छे बनाते हैं स्पीकर। अच्छा और बुरा क्या होता है, अच्छा बुरा स्पीकर क्या होता है, अच्छा और बुरा स्पीकर वो होता है कि जो भी कोई स्पीकर बनाता है उसको टेक्निकल नॉलेज कितनी है, स्पीकर कितने वाट का है, कितने वाट का एम्पलीफायर है, किस तरीके से स्पीकर बनेगा, स्पीकर में मटेरियल क्या लगेगा, स्पीकर में कॉयल कैसा लगाया, उसके ऊपर स्पैटर कैसा लगाया, कनेक्शन वायर कैसा लगाया, पर्दा कैसे लगाया, उसको सेट कैसे किया, उसकी बैलेंसिंग कैसे की है, इन सब चीज़ों के ऊपर स्पीकर डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी क्वालिटी मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है और स्पीकर बनाने वाले मैकेनिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। सबसे मेन चीज़, आप अगर स्पीकर बनाने वाला मैकेनिक सही नहीं है आपका, तो स्पीकर पर आप बहुत अच्छा मटेरियल लगा लीजिए तो भी आपका स्पीकर सही नहीं बन पाएगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा हमारा 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है भैया, और ये स्पीकर दूसरा काम शुरू करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ कौन सी कंपनी का स्पीकर है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आई थिंक चाइनीज स्पीकर है, RCF मॉडल का स्पीकर है, और ये कुछ है इसका डिस्क्रिप्शन, स्पीकर के ऊपर कुछ लिखा हुआ, वाटेज वगैरह सब चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो भैया शेयर करना अपने दोस्त लोगों में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। मैं सनी फ्रॉम प्रकाश साउंड सिस्टम दिल्ली, थैंक यू सो मच।